नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धुरिया। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस और बीजेपी में जिस कथित टूलकिट ट्वीट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अब उस पर ट्विटर ने एक्शन ले लिया है। दो दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया था जिसमें टूलकिट का जिक्र था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इसी टूलकिट के जरिए अफवाह फैलाकर मोदी सरकार को बदनाम कर रही है। अब ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है, यानी कि ये दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ट्विटर के मुताबिक इस ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल संबित पात्रा ने 18 मई को कांग्रेस पर पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए कथित टूलकिट बनाने का आरोप लगाया था। संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की थी, इसके साथ ही कांग्रेस का एजेंडा बताया था। कई बीजेपी नेताओं ने ट्विटर पर एक लेटर शेयर कर कहा कि कांग्रेस का एजेंडा भारत के प्रति नफरत से प्रेरित है। संबित पात्रा का दावा था कि कांग्रेस एक पीआर एक्सरसाइज कर रही है, जिसके जरिए कुछ बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की मदद से सरकार के खिलाफ माहौल बनवाया जा रहा है। इस ट्वीट में एक कागज साझा किया गया जिसमें कांग्रेस का लेटर हेड था और सोशल मीडिया पर किस तरह ट्वीट और जानकारी साझा करनी है उसके बारे में बताया गया था। अब इसी ट्वीट को ट्विटर ने गलत करार दिया है। ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया में मार्क किया है। आपको बता दें कि ट्विटर की पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई जानकारी जो आपने ट्वीट की है उसका सोर्स सटीक नहीं है और उपलब्ध जानकारी भी गलत है तो इस तरह का लेबल लगा दिया जाता है। ये वीडियो, ट्वीट, फोटो या अन्य किसी भी कंटेंट पर लगाया जाता है। गौरतलब है कि इस कथित टूलकिट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई चल रही थी। बीजेपी के इस आरोप को कांग्रेस ने नकार दिया था। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और अन्य पार्टी के बड़े नेताओं ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर संबित पात्रा और जेपी नड्डा पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई थी। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने संबित पात्रा के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को ही कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के प्रमुख रोहन गुप्ता ने ट्वीट कर कहा था कि हमने औपचारिक रूप से ट्विटर को पत्र लिखकर उन बीजेपी नेताओं के ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने की मांग की है जो कांग्रेस के लिए जाली दस्तावेज फैलाने में शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।